कब से ट्राई कर रहे हैं, अनुभव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं अनुभव किसी मुश्किल में तो नहीं? जाओ हाँ, तुम्हारा घर आ गया, जाओ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू चटक चांदी, कल मिलते हैं। कौन है जो इस पेन ड्राइव के पीछे पड़ा है? कैसे पता चला उसे कि ये पेन ड्राइव उर्मी के पास थी? ये बात तो हमको भी नहीं पता था। क्या रे मिलिया, पुलिस वाली पे हमला करेगा? तेरी तो कौन है बे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ का ये सब? मैडम मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में। मैडम प्लीज 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 आपकी हेल्प चाहिए, मैडम बचा लीजिए प्लीज। थैंक यू मैडम। अब बताइए मामला कहाँ है? मैडम मेरा नाम रोहित है, मेरी जान खतरे में, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा? मेरी बीवी मयूरी। क्या? इसलिए मैं ये सारा सामान अपने कोट में छुपाकर घूमता हूँ, नहीं तो वो इसमें से किसी भी चीज से मेरी जान ले सकती है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा वाइफ तुम्हारा जान लेना चाहती है? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते हुए खुद देखा है। तुमने अपनी पत्नी को तुमको मारते हुए देखा है? हाँ हाँ जी मैडम, हाँ जी। अरे तो तू भूत है क्या फिर? इधर जिंदा बैठा है ना, कैसे मारा फिर उसने तुझे? देखिए मैं रोज सपना देखता हूँ कि मेरी बीवी मुझे जान से मार रही है। हाँ आपको आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। भाई साहब आप प्लीज जरा एक मिनट के लिए लेट जाएं प्लीज। ये सब चीज के लिए ना हम लोग आदमी रखे हुए, मोटा चूहा लो, जो करना है चीरना है फाड़ना इसके साथ करो, है नहीं? कर कर निठल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिल्ले लेटो, घर भी जाना है। बहुत अच्छा, प्लीज एक मिनट। अच्छा ठीक, निकालो इसको, निकालो। अच्छा लेट जाइए। अब आप नहीं है, आप मैं हूँ। हैं? हाँ। अब इमेजिन कीजिए कि आप बेड पे सो रहे हैं और अब ये मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, ये मेरी बीवी है, मेरी खूनी बीवी मयूरी है ना, और उसके हाथ में ये चाकू है। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी। अरे क्या है ये? हाँ तो इसमें अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? हाँ मैडम, दो साल से मैं सपना देखता आया हूँ और मैंने जो भी सपना देखा ना मैडम सच हुआ है, 100% सच हुआ है, पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है मैडम। ना हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले? अच्छा तो आप कुछ नहीं करेंगी? हैं कुछ नहीं करेंगी? ठीक है एक मिनट, क्या है? दोस्तों मैं रोहित बोल रहा हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये पुलिस वाले होंगे। ये हसीना मलिक हैं, ये करिश्मा सिंह हैं और ये हवलदार चीता चतुर्वेदी, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हाँ ये कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी है। अरे थाम, यार क्या तू खाली पीली रात में लफड़ा, क्या चाहिए तेरे को? मैडम मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूँ। रुक कुछ, अभी क्या करने का भी याद रात में? इटकले गद्दा निकाल इसके लिए, रात को इधर सोना तू। ठीक है लगाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे वीक चाहिए। नहीं चाहिए? ए चलना बाबा चलना। अरे माँ मेरी अभी तू काय के लिए भड़क रही है? अभी के लिए तो इसको टाल दिया ना अपन ने, कल देखेंगे क्या करने का है। अभी चल छोड़ दे मेरे को वापस घर। रोहित मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी में कितने साल हो गए? 10। बस इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं नहीं, क्या होता है कि 10 साल के बाद हर एक शादीशुदा जोड़ा में ऐसे ही होता रहता है। मतलब बीबी को लगता है कि पति आधी रात उठकर उसका गला दबोच देगा,
और पति को लगता है कि बीवी आधी रात उठकर उसके सीने में चूरा खोप देगी। ऐसा होता है जनरली, इट्स अ नॉर्मल, इतना सीरियसली नहीं लेने का ब्रो, इट्स अ चिल। अरे भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे सारे सपने सच होते हैं, आज तक मैंने जो भी सपना देखा है वो सच हुआ है, और आप देख लीजिएगा ये सपना भी सच होके रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सपना सच होता है कि नहीं। तब तक के लिए सो जाते हैं। तब तक सो जाते हैं। हेलो, ये जगह तुम्हारी है, ये मेरी है, ये मेरा बिल्लू निवास है ना, ये मेरी परमानेंट जगह है। चलो गुड नाइट। हेलो भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, डर क्या, आगे बिल्लू है। नहीं नहीं, मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ मुझे, मैडम सर मैडम सर, बचाओ। क्या हुआ? हाँ, मैं जिंदा हूँ। क्या 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 हुआ? सपना देखा। क्या देखा? सपने में देखा मैंने, औरत चल के आ रही होगी। हाँ, औरत थी, सफेद साड़ी में थी, लाल साड़ी में थी। हाँ। आ रही थी और ऐसे इनकलाब कर रही थी। नहीं, इनकलाब नहीं, उसका हाथ ऐसे होगा और हाथ में चाकू होगा, चाकू। हाँ, हाथ में चाकू ऐसे लेके आ रही थी और मैं सोया था नीचे। नहीं, वो मैं था। हाँ, वो लंबाई तुम्हारी इतनी थी। हाँ, तुम सोए थे। हाँ। और वो औरत ऐसे लाल साड़ी में चाकू लेकर आई और जो सोया था, तुम सोए थे तो तुम्हारे सीने में ऐसे चूरा कब दी। वो औरत मेरी बीवी थी। तेरी बीवी मेरे सपने में क्या कर रही है? वही तो सपना मुझे आता है रोज। इतने दिन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीवी मुझे मार देगी। नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं मैडम सर को बता दूंगा, करिश्मा मैडम को बता दूंगा कि तेरा सपना सच है, तेरी बीवी मारने वाली है। तुमको बचाना होगा तुम्हारी बीवी से। अरे क्या रे टकले का हुए? कैसा मतलब, तू मेरे को साइंस बता, ऐसा कैसा हो सकता है कि उसका सपना तेरे में ट्रांसफर हो गया और तेरे को भी वही सपना दिखाई दिया? इतना चिपक के सोए तेरे। नहीं, हम बोल रहे हैं कि जब सपना ही देखना था तू ही देख लेता ना बिलौटे, कि तुमको बिलाई कब मिलेगी, तुम्हारा शादी कब होगा, हनीमून पर कब जाएगा, बिलौटा कब पैदा होगा। हंस लो, तुम सब हंस लो मुझ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इंसान है ना, इसमें सुपर पावर है, मतलब इसने जो सपना देखा ना, सेम सपना मैंने देखा। हाँ। अरे सच में आया सपना, आया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बोल रहे हो तुम? सेम सपना आया, मेरा यकीन कीजिए, सपना आया। हाँ, यकीन कर रहे हैं हम तुम्हारा। हाँ, इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे। कल हमको भी सपना आया था कि जैसे ही हम थाना पहुंचेंगे तुमको एक जोर से कंटाप लगाएंगे, समझे? देखो ऐसा है कि दिमाग का चूरन करने का जरूरत नहीं है, इसका ड्रामा देख रहे हो तुम, कल से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, तुमको सपना आ गया और कुछ बात नहीं है। मैडम, ये आदमी सच बोल रहा है। हाँ। और मैं भी सच बोल रहा हूँ, और जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को यकीन होगा। देखो ऐसे तुमने ना हमारे अच्छे खासे थाने का ना सर्कस बना के रख दिया अपने ये सपना लेकर, निकलो यहाँ से अभी के अभी। ठीक है, अब मैं अपनी सच्चाई का सबूत लेकर लौटूंगा। Excuse me, I am Billu the spy. With you, मेरे भाई. Let's go in the sky. Let's go. मेरा मरेगा। क्या चिकने? चलते क्या चाय पीने? जहर पीने जा रहे हैं। तो जा फिर। ये कैसे हो सकता है कि रोहित का सपना बिल्लू को भी आ गया? कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा है, पर हम ढूंढ के निकालेंगे। ये बाप रे, तो उर्मिला ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। और आप पुष्पा जी, इतना 40-40 गोलगप्पे खा चुके, एक बार नहीं पूछा कि लहसुन तो तू भी खा ले। हे भगवान, मतलब तुमने कुछ भी नहीं खाया? लो बताओ। ओहो भैया जी, दो प्लेट और लगाइए। अब दो क्यों? हम भी तो खाएंगे ना तुम्हारे साथ। भैया जी छोड़ दो, खाना नहीं, गोलगप्पे रहने दो। अच्छा ठीक है, रहने दो। लो उर्मिला का फोन आ रहा है। हाँ उर्मिला, देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कहने पर हम जाने के लिए तैयार तो हो गए, मगर हमें अभी भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डायन बहू को पता चल गया ना कि हम तुम्हारे कहने पर वो रोहित की बीवी मयूरी उसके घर जाकर उस पर नजर रख रहे हैं, तो वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, बताए तुमको। अरे बात कर रहे ना हम संतू। अच्छा एक बात बता मेरे को, तेरे को क्या लगता है सपने सच होते?
नहीं नहीं पुष्पा जी से मत पूछिए, उनके तो सारे सपने सच हो ही गए। संतु सही कह रही है, पता है हमने एक दिन क्या सपना देखा? हमने देखा कि हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, अचानक बवंडर बात कर रहे ना हम संतु, अचानक आंधी आ गई प्रलय बनकर हमारे जीवन में। तो क्या हुआ फिर? आई आंधी? आ गई ना वो करिश्मा जी जो आ गई हमारे घर हमारी बहू बन के। जब से हमारी बहू बनकर आई है ना हमारे जीवन में प्रलय ही तो मचा है। अरे पण तेरी बहू को तो ऐसा नहीं लगता ना, उसे नहीं लगता कि किसी का सपना कभी भी सच हो सकता है, इसलिए बेचारे टकले कौवे को भगा दिया डांट के। देख मातारी, आइटम आइटम आइटम, वेरी गुड। ये ना तेरे पास एक गोल्डन चांस है अपनी बहू को गलत साबित करने का, ये बताने का कि सपना कभी भी किसी का भी सच हो सकता है। अरे वैसे भी तू सास है उसकी, उससे जास्ती दुनिया देख के बैठी है तू, बस क्या वो तेरे सामने सही कैसे हो सकती है? पा, 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 तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम करिश्मा जी को दिखाएंगे, बताएंगे उनको कि सपने भी सच होते हैं। हम जा रहे हैं उसके घर। ठीक है रखते फोन, ऑल द बेस्ट। ये सच है, रोहित भाई के सपने पूरे होते हैं, पूरा मोहल्ला गवाह है, सपने देखा है, वो जो भी सपना देखते हैं पूरा हो जाता है। ये 10वां गवाह है जिसका मैंने वीडियो बनाया। हाँ हाँ भाई, 11वां गवाह भेजो, जाओ। पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है, और सच कहूँ तो मैं सारे सपने लोगों को बताता ही नहीं हूँ। क्यों? ये सोचकर कि कहीं उन्हें पता लग गया कि उनके साथ क्या होने वाला है तो कहीं बेचारे कुछ अनर्थ ना कर बैठे। लेकिन ये प्रूफ, ये इतने गवाह काफी है। लेकिन अगर करिश्मा मैडम मानी नहीं तो? फिर तो एक ही रास्ता बचता है, मुझे एक ऐसे शख्स से उनको मिलवाना पड़ेगा जिसकी बात से वो इनकार ही नहीं कर सकती। कौन है वो? कहां तक बचोगे हमसे और हमसे बच के जाओगे कहां? अरे कौन है आप? जी, हम शक्कर लेने आए हैं। क्या क्या देने आए हैं? देने नहीं, लेने, शक्कर लेने आए हैं। क्या? अरे आप समझ नहीं रही है, वो बंद कीजिए ना। अरे जी आप कौन? हमारा नाम सुंदरी है और ये है हमारी बड़ी बहन स्वप्न सुंदरी की छोटी बेटी। तो आपके पड़ोस में ही आए हैं ना अभी? हाँ? नए आए हैं तो शक्कर खत्म हो गई थी इसलिए शक्कर लेने आए हैं। शक्कर लेकर आते हैं। हाँ। थोड़ी अजीब नहीं है ये? थोड़ी पुष्पा जी कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। ये क्या है? ये क्या है? हमें तो बहुत डर लग रहा है संतु। मुझे भी डर लग रहा है। चलो चले। मुझे चलते लेकर करिश्मा मैडम को प्रूफ भी करना है कि आप सही हो। हाँ हाँ तो ये ले लेते हैं। रख तो रख। अरे उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि ये अजीब है। हाँ तो चले। चलो चलो चलो। ये लीजिए चीनी। हाँ नहीं मिल गई ना चीनी, हम धो के ले लेंगे। नहीं ये चीनी हमारे पति के लिए, ये लीजिए आपकी चीनी। नहीं ठीक है ठीक है। अरे अरे सुनिए तो, चीनी तो लेते जाइए। कहाँ है सब लोग? दिखाई काहे नहीं दे रहे हमको? क्या रे चटक चंदनी, क्या बोलती? एक एक्स्ट्रा समोसा रखे लखाएगी? हमने पूछा सब लोग कहाँ है, मेरे को नहीं मालूम किधर है सब। हाँ मतलब क्या? एक मिनट, तुम्हारा ये दिमागी खुराफा तुमने सबको भेजा तो नहीं है ना केस के सिलसिले में? सच बताना यार। ये चटक चंदनी, मैं क्या असली हसीना मलिक है जो मेरे हुक्म बजाते घूमेंगे ये लोग? मेरे को नहीं मालूम किधर गए ये लोग। अरे गजब हो गया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, गड़बड़ उस रोहित में नहीं है, उसकी बीवी में है। सही कह रही है पुष्पा जी, बहुत ही अजीब खतरनाक, बहुत ही अजीब सी बीवी है उसकी। पता है तुमको? अरे हमारे लल्ला की तरह ना उस रोहित के भी भाग खुल गए, क्या बताए तुमको। पता नहीं किसकी बातों में आकर रोहित को लाल लाल रंग की चीनी खिला रही है वो। पूरे घर में कीले ठोकी हुई है, उस पे पता नहीं कौन सा धागा बांधा हुआ है, वो देख के हमें तो बहुत डर लग। वो
वो पूरा मंजर हमारे आंखों से नहीं जा रहा है आपको देखो कर... बहुत डर गए थे तो आपने इन्हें केस के सिलसिले में कहीं नहीं भेजा आप सबको क्या लिखता है कि यहाँ चूरन लिखा है आप सबको लगता है कि हम गलत है और आप सब लोग सही हैं। तो पुष्पा जी को लगता है कि रोहित जो है वो सही है उसके सपने सही हैं। नहीं वो गजब 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 लग रही है संत जी कोई जवाब देगा हमें इसका जवाब बिलिद स्पाई ये देगी ये है साई क्या 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 है साइकाइट्रिस्ट हाँ वही बैठ 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 जी आप कौन मैं डॉक्टर कुनिका रोहित के साइकाइट्रिस्ट कुछ सालों से मैं रोहित का इलाज कर रही हूँ तो आपको लगता है कि ये इनके सपने सच होते हैं देखिए सपने हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक रूप होता है हम जो भी देखते हैं सोचते हैं महसूस करते हैं वो सब कुछ हमारे माइंड में स्टोर होता है और ये सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड को एक कंडीशन में जाकर एक सपने का रूप ले लेता है तो देखा जाए तो सपने भी कहीं ना कहीं हकीकत का आईना है तो मैं भी मानती हूँ कि सपने भी कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं तो आप सब लोग समझ गए होंगे नहीं ओके मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ ये देखिए ये रोहित के ब्रेन के वेव्स की फ्रीक्वेंसी है इस मशीन के थ्रू हम रोहित के ब्रेन में होने वाले चेंजेस को वेव्स के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं और समझ सकते हैं रोहित तो अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगी उसके मुझे जवाब देना रोहित तुमने अभी रिसेंटली सपने में क्या देखा मैंने सपना देखा कि मेरी बीवी हरी साड़ी में हाथ में हथौड़ा लिए मेरी तरफ आ रही है मुझे जान से मार देगी वो ये देखिए देखा आप सब लोग ने रोहित की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई रोहित तुम यहां पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम यहां बैठे हो पता है कितना जरूरी काम छोड़ के आई हूं मैं ये तो बेहोश हो गई अरे देवा काय चाललंय ये करिश्मा सिंह भी ना सब लोग उस मयूरी को लेकर गायब है और हम यहां बंद पड़े हैं अब कुछ बोलोगी भी का बोले तुम्हारे फैलाए रायते को समेटने में लगे हैं और का अरे मेरे पे काय के लिए बिल फट रही है थाना तेरा केस तेरा नौकरी तेरी मैं तो भाड़े की पुलिस वाली है ना तेरे को ही करना होगा ये अब जो करने का है बस यही करवा लो करना कुछ है नहीं बस दिन भर चबड़ 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 करती रहती है मुंह चलवा लो बस इससे मुंह फट बदतमीज अड़ियल बेवकूफ ए गाली देने तो मुंह पे गाली देना मन के मन काय को कोस रही मेरे को तो डरते हैं क्या तुमसे हाँ हो तुम बदतमीज अड़ियल बेलगाम घोड़ी तुम हो अच्छा खाली मैं ही चे क्या ये सब जो मेरे को बोल रही है वो तू खुद नहीं है तू भी तो है मेरे कार को पीछे पड़ी है सब आजाम लेके हाँ तो क्या करे और दिमागी मरीज निकली उसकी बीवी हॉस्पिटल में मयूरी दिमाग का इलाज चल रहा है उसके क्या हाँ ये कैसे हो सकता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कुछ गड़बड़ है ये रोहित नक्की कोई खेल खेल रहा है अम्मा हो भी तो क्या करे सब तो यही मानते हैं सब क्या हमारी टीम वो भी यही मानती कि वो जो देखता है वो सच हो जाता है नहीं नहीं एक मिनट देख सफेदी की चमकार को बोल के मैंने वो जो उसकी बीवी है ना उसका खून का रिपोर्ट निकलवाया उसके खून में ना ये एक वो क्या बोलते केमिकल
वो निकला है जो खाली शक्कर के साथ मिला के आदमी को दे सकते हैं, और ये केमिकल खाने पे ना दिमाग में ऐसा लोचा हो जाता है, वो उल्टे सीधी चीजें दिमाग में आने लगती है, वो होने लगता है, वो हेलुसिनेट करते हैं, हेलुसिनेट बराबर हेलुसिनेट होने लगता है, दिमाग फिरने लगता है, जो चीज है नहीं वही दिखाई देने लगती है। ये लाल रंग का पाउडर खिला खिला के ना वो लड़की को पागल साबित कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ नक्की। नहीं ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ये जो है हमको फॉरवर्ड करो, और हाँ इससे दूर रहना अब तुम, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मेहनत में करके दू फिर तुम केस से दूर रहना। अच्छा ठीक है मैं केस से दूर रहेगी, तू कर बाबा तेरे को जैसे अपने हिसाब से करने का कर, मेरे को खाली आजू बाजू रखेगी अपने, रखना मैं बहुत बोर होती है इधर में, इधर बंद करके क्या करूं, अभी मेरे को मजा आने लग गया ना केस भी सॉल्व करने को। हाँ ठीक है, लेकिन कायदे में रहना, सब फुदकने का जरूरत नहीं है, समझी? हाँ ठीक है, अभी तू खाली देख मैं क्या करती है, मंजे क्या नहीं करती है। हमें रोहित के सपने का सच सबके सामने लाना होगा, लेकिन कैसे?